हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट वन चैप्टर टू वंडरफुल वेस्ट। अभी मैं आपको वंडरफुल वेस्ट एक्सप्लेन करूँगी। हमारे चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। यू नो ना वेस्ट, बेकार की जो चीज़ें होती हैं उनको हम वेस्ट बोलते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर अ ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार की बात है, जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उन्होंने अपने पैलेस में, महल में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। डिनर मीन्स होता है रात का खाना। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले, दोपहर होती है ना, तो दोपहर में जो महाराजा थे वो किचन में गए सर्वे करने के लिए जो डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो रात के दावत में जो डिशेस बनने वाली थी ना, उनका निरीक्षण करने के लिए वो किचन में गए। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। उन्होंने कुक से पूछा, ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, ये जो वेजिटेबल के वेस्ट टुकड़े जो बास्केट में पड़े हैं, तुम इनका क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप्स नियर द कुक, जो बास्केट में वेजिटेबल का जो वेस्ट पड़ा था वो कुक के पास रखी हुई थी, तो उसको उंगली करते हुए, उसको दिखाते हुए बास्केट को, उन्होंने कुक से पूछा कि तुम ये जो वेजिटेबल का वेस्ट है उसका तुम क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट। उसने बोला, ये सब तो वेस्ट हैं, वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल। तो महाराजा ने बोला, ये जो वेजिटेबल का वेस्ट है, ये जो वेजिटेबल के टुकड़े हैं, हम इनको वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, इनको यूज़ करने का कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड एक्सटर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने उसको एकदम जोर से उसको कमांड किया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, अब कुक बेचारा तो परेशान फिक्स हो गया वहीं का वहीं। एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए वो जो वेजिटेबल का स्क्रैप्स था उनको ही देखता रहा, घूरता रहा उनको बहुत देर तक, वहीं पर ही फिक्स हो गया वो एकदम से। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने जल्दी से सारे जो वेजिटेबल के टुकड़े थे वो ले लिए। वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उनको अच्छे से धो लिया और अच्छे से साफ कर दिया। देन ही कट देम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसने उनको बड़े बड़ी टुकड़ों में काट लिया, लंबी लंबे काट दिया उनको। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और उनको एक बहुत बड़े पॉट में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और पकने के लिए उस पॉट को फायर के ऊपर, आग के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और तभी उसने उसमें एक फ्रेश कोकोनट डाला, उसमें वेजिटेबल जो पकाने के लिए रखी थी उनमें। ग्रीन चिल्लीज, हरी मिर्ची डाली, एंड गार्लिक और लहसुन डाला, टुगेदर सबको इकट्ठा डाल दिया। ही एडिड दिस पेस्ट, ये पेस्ट उसने ऐड कर दिया उसमें। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और जो वेजिटेबल पक रही थी उसमें उसने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। ही टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक बहुत अच्छी स्मेल पॉट में से आने लगी। नाव ही विप्ड सम कर्ड, और तभी उसने उसमें थोड़ी सी दही डाल दी, कर्ड मिस होता है दही। एंड एडिड इट टू द करी, और वो जो बन रहा था वेजिटेबल्स जो उसने पकाने के लिए रखी थी उसमें उसने थोड़ी सी कर्ड भी ऐड कर दी। ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसमें उसने थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल भी ऐड कर दिया, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल की ऐड कर दी। ही डेकोरेटेड दिस डिश विद करी लीव्स, और उसने उसको कड़ी पत्ते से अच्छे से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, और खेल खेल में एक नई डिश बन गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उसने वो जो नई डिश थी, वो जो गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, उनको सर्व कर दी, खाने के लिए परोस दी उसी शाम। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सब लोग न्यू डिश का नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, जो बेचारा कुक था वो सोच रहा था। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, उसका नाम, ही नेम इट अवियल, उसने उसका नाम क्या रखा डिश का, अवियल। अवियल बिकम्स
फेमस ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में वो जो डिश थी वो फेमस हो गई। एंड इन नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस, जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई ट्रेडिशनल खान बनाना होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो अब यदि वहाँ पर बनती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, अब तुम इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो किससे बनी थी वो, बास्केट ऑफ वेस्ट, वेस्ट वेजिटेबल की जो बास्केट थी उससे बनी थी। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया, आपको इसको रीड करो, नेक्स्ट टाइम हम इनके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।